ट्रॉमा सीरियल फोकस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कमाल परेशान होता है जैसे ही उसको पता चलता है कि उसकी बेटी और उसकी साली साहिबा दोनों एक दूसरे के साथ मिली हुई है और ईर्षा की ज़िंदगी तो तबाह करने में मगन है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होता है और सबसे ज़्यादा ये कि वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि उसने आज तक ईर्षा की बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि वो आँखें बंद करके अपनी बेटी की बातों पर ही यकीन करता रहा और कुछ भी नहीं किया उसके अलावा उसने। इसके बाद आप देखेंगे कि वो ईर्षा से कहेगा कि तुम मुझे माफ़ कर सकती हो, आगे से वो कहेगी किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं आप, इस पर वो उसको बताएगा कि मुझे आज इस चीज़ का पता चल चुका है कि जो कुछ भी था वो सब गलत था जो मुझे दिखता था, यानी कि आयजल के मुतल्लिक कहता है कि मैं अब जान चुका हूँ कि आयजल बिल्कुल धोखा दे रही थी मुझे, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया, मैंने अपनी बेटी की बात का ही यकीन किया। आगे से वो कहती है कि मैं आपको आज तक बताती रही, आपने मेरी किसी बात का ट्रस्ट नहीं किया, तो आज आपने जब अपनी आंखों से देखा और सुना तो फिर आपको इस चीज़ का यकीन आया, वरना अभी भी आप अगर आंखों से देखते और ना सुनते तो कैसे आप मेरी बात पर यकीन करते, अभी भी आप मुझे झूठा ही साबित कर देते, इसलिए अब इस बात का क्या फ़ायदा है। आगे से कमाल कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है, अब मज़ीद इन बातों पर बहस करके मैं अपनी ज़िंदगी पर बात नहीं करना चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ।